आज मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि आज मैं इस चेयर पर बैठी हूँ और स्ट्रॉन्ग उज़्मा मेरा इंटरव्यू ले रही है। और मैं आपको उन दिनों ये लाइयां लाइयां फिल्म बहुत ज्यादा हिट थी, अच्छा चूड़ियां फिल्म, उसका गाना गाया मैंने ना, लाइयां लाइयां तेरे नाल ढोल। अच्छा मैं घर अच्छा नहीं पहुंची लेकिन मेरा गाना पहले पहुंच गया। अच्छा कौन सा सॉन्ग था जो केबल से आपके घर पहुंचा और आप घर नहीं थी? हमारे फैमिली में लड़कियों को नहीं परवाह, हमें ऐसे इजाजत नहीं थी कि शीशा ज्यादा देर देखो तो घर वाले डांट देते। शादी हो गई आपकी, जी बिल्कुल, डांट पड़ी बड़ी, आपने अपनी आवाज को दबा लिया। ऐसा ही तो उन्होंने कहा इसकी शादी कर दें। शादी हो गई जनाब, अब आगे जो ससुराल था ना वो बड़े अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग। वैसे हस्बैंड मेरे दो गाने डेली सुनते हैं अब तक। कहते उसके बाद दुनिया को जो मर्जी सुनाओ, मुझे बस दो गाने तुमने वो सुनाने। कौन से हैं? छठ झगड़े करिए आर्टिस्ट पे इंडिया में बैन हो गया था, तो मेरी और अरिजीत सिंह का सॉन्ग बहुत दफा ऐसा हुआ है कि बहुत बार अलहमरा में परफॉर्म करने की कोशिश की तो बारहा मेरा नाम कट हो गया वहां से। तेरे तैयारी जी सारी मुकम्मल तैयारी हो गई थी, बिल्कुल थी। हाँ जी, पोस्टर पोस्टर वगैरह वगैरह भी तैयार हो रहे थे, सारा कुछ बातचीत चल रही थी। बात हुई हाँ अरिजीत जी, सिंह से? कि देने शानो शौकता जदियो मोहब्बता जे पालवे किधरे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उज़्मा आपकी खिदमत में हाज़िर है। वेलकम बैक हो गया स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। ये वीडियो हमने स्पॉन्सर की है स्ट्रॉन्ग उज़्मा हॉस्पिटल, जो आप सब लोगों का बनने जा रहा है उसके लिए। तो जो भी इंटरव्यू, जो भी हम शो कर रहे हैं वो हॉस्पिटल के लिए और शेल्टर होम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं जिनका रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल के साथ साथ उनका अपना ज़ाती शेल्टर होम बन जाए, जिसमें वो अपनी बकाया जो ज़िंदगी है बेवा औरतें सुकून से गुजार सके। तो टैलेंट जो होता है ना, वो कभी छुपता नहीं है। टैलेंट को आप जितना मर्ज़ी दबा लें, छुपा लें, किसी ना किसी मोड़ पे आके वो आपको तंग करता रहता है अंदर से। वो कहता रहता है कि मुझे आप जो है ना वो शो ऑफ करें, दिखाएं लोगों को। आज मेरे साथ जो हमारे पॉडकास्ट की मेहमान हैं, ज़ीरक खान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका टैलेंट इतना कि सर चढ़ के बोले, लेकिन दबा रहा, किसने दबाने की कोशिश की, आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंद चांदनी थल्ले बैठे दो आज गल्ला करिए दो गल्ला करिए हाथ विच होवे तेरा हक समा उथे खलो जावे उथे खलो जावे तेरा मेरा प्यार वेख चना ओले बदला दे हो जावे ਹੁਣ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀਨਾ ਠਾਰਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਠਾਰਦੀਆਂ ਦੋ कैसी हैं आप? एकदम फिट एंड फाइन। मैंने कहा फर्स्ट आपको पहले गाने से अपना वो करवा दे, तो आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है, माशाल्लाह आपकी आवाज़ में एक जादू है। यानी कि आप कैसे, आपने ये सीखा? और आपका बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट में हॉस्पिटल को स्पॉन्सर करने के लिए आने का। सबसे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी आपके जी सवालों के जवाब से पहले, कि आज मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ कि आज मैं इस चेयर पर बैठी हूँ और स्ट्रॉन्ग उज़्मा मेरा इंटरव्यू ले रही है, और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन। थैंक यू सो मच। तो जहाँ तक यहाँ तक पहुँचने का ये सिंगिंग का, आपको पता है टैलेंट तो होता है इंसान के अंदर बचपन से, और वो चाहता है कि उसका टैलेंट जो है वो आगे आए। तो जी बचपन से ही शौक था मुझे गाने का। अच्छा, लेकिन घर में
हाँ जी, घर में आपको पता है जैसे पेरेंट्स होते हैं वो नहीं समझ पाते अपने बच्चे के टैलेंट को कि उसके अंदर क्या है, लेकिन मैं सब पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे के टैलेंट को उभारें, देखें, उसे परखें और उसे मौका दें आगे आने का। तो मेरे पेरेंट्स जो है वो यही कहते थे कि जैसे लड़कियों के हवाले से वालदैन की सोच होती है कि बस शादियाँ हों और अपने घरों में चले जाएँ, तो उन्होंने मेरे साथ भी वही किया। अच्छा, बस मुझे शौक था, एक दिन ऐसे चोरी चोरी गा दिया घर में जाके, गाती थी आप चोरी घर चोरी में जब बस ऐसे वालदेन के घर पे? गुनगुनाती थी अच्छा, लेकिन प्रॉपर नहीं। फिर आपको हमारे स्कूल में एक फंक्शन हुआ तो उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया कि चलें जी रखो, मौका देते हैं जब गाने आप का। अनमेरिड जी थी? अनमेरिड जब थी अच्छा तब की बात बता रही, मतलब अपने चाइल्डहुड की, अच्छा जैसे बचपन होता है इंसान का, आगे बढ़ता है 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th में, 10th में, इस तरह जैसे जैसे आगे बढ़ते, कि मैं स्कूल कॉलेजेस में गाती रही अच्छा जी, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन, जैसे नात हो गई, फिर उसके बाद कलाम इकबाल हो गया, फिर सिंगिंग कॉम्पिटिशन, फिर एक दिन उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया। उन दिनों ये लाइयां लाइयां फिल्म बहुत ज़्यादा हिट थी, अच्छा चूड़ियां फिल्म, उसका गाना गाया मैंने, लाइयां लाइयां तेरे नाल ढोल। अच्छा तो वो फिर चूड़ियां फिल्म का जब ये सॉन्ग मैंने गाया वो केबल पे चल गया पूरे इलाके में, मैं घर अच्छा नहीं पहुंची लेकिन मेरा गाना पहले पहुंच गया। अच्छा कौन सा सॉन्ग था जो केबल से आपके घर पहुंचा और आप घर नहीं थी? हाँ वो वो मैं लाइयां लाइयां, चाहूँ लाया ला लाया मैं तेरे नल ढोल, एक दिल से मेरे ढोल नाव ते लुटी गईया, ढोल नाव ते लुटी गईया, लाया लाया हो लाया लाया, सदरां दे बुए मैं तेरे लिए खोले, ओ मेरा तो हुण कदी अखियां तोले, दिले शुदाए तेरा दिले दीवाना, मैं तेरी चलिया तू मेरा ही सियाणा, मैनू गलदा बना के रख ढोल ना वे, मैनू गलदा बना के रख ढोलना, एक दिल से मेरे ढोल ना मत लुटी गईया, ढोल ना मत लुटी गईया, लाया लाया हो लाया लाया। फिर आपको मार पड़ी? तो घर वाले कहते ये तुमने क्या किया, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि अच्छा तुमने जाके वहाँ गा दिया, और सब आके मुबारक दे रहे हैं जी, मुबारक हो आपकी बच्ची का गाना है। तो उन्होंने कहा भाई इसको घर से दफा रेड करें, भेजें इसे घर से, अच्छा इसको शादी करें इसकी, अच्छा हम ये आगे अम्मी का इसको हुक्म था या अब्बू नहीं, का? फादर और मदर दोनों बड़े तो स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट किस्म के थे, कहते थे कि हमारे फैमिली में लड़कियों को नहीं परवरिश, हमें ऐसे इजाजत नहीं थी कि शीशा ज्यादा देर देखो तो घर वाले डांटते थे, यार अच्छा क्यों देख रही हो इतना शीशा, क्या वजह, सर से दुपट्टा नहीं उतारा, किसी अच्छा शादी में नहीं लेके जाना, वालदेन ने हर जगह वो खुद जाते थे, हमें कहीं नहीं, पता ही नहीं था जिंदगी क्या है, बाहर की दुनिया क्या है या बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ खबर नहीं, पता नहीं वही वजह कि आज चेहरे पे ये इतनी मासूमियत है, और यह क्या यही वजह कि हम अब जो मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं अपने आप को बचा के चल रही हूँ इतनी टफ लाइफ में, अपने नाम को लेके, अपनी शख्सियत को लेके। तो वो मैं फिर भी उनकी शुक्र गुजार हूँ अपने पेरेंट्स जी की बिल्कुल, कि उन्होंने अगर इस तरह की हमारे पे पाबंदियाँ लगाई हैं तो हमें माशरे को समझने का मौका दिया। बिल्कुल आज आप देख रहे हैं माशरे में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में। बिल्कुल। शादी हो गई आपकी, जी बिल्कुल, डांट पड़ी बड़ी, आपने अपनी आवाज़ को दबा लिया। हाँ सही है। तो उन्होंने कहा इसकी शादी कर दें, शादी हो गई जरा, अब आगे जो ससुराल था ना वो बड़े अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग, आप जब गई शादी करके तो पहली रात अपने हस्बैंड को गाना सुनाया? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत अरसा हो गया, मेरा बेटा भी हो गया एक, तब तक नहीं मैंने सुनाया, चुप रही बस आप? अपने अंदर, मैंने कहा घर वालों ने कितना मुझे डांटा है, तो अगर यहाँ ससुराल तो फिर किसी का नहीं होता आपको जी पता है। तो मतलब मेरी फैमिली भी पढ़ी लिखे सभी, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट, सभी गवर्नमेंट की मुलाजमत करते हैं, लेकिन जो मेरे ससुराल वाले ना वो टीचिंग से रिलेटेड थे, अच्छा सारे टीचर थे, ठीक है तो उन्होंने देखा कि इसमें टैलेंट, एक दिन ऐसे ही बस गा रही थी तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी आपकी आवाज़, आप क्यों नहीं इसको आगे प्रोफेशन बना ठीक दी। है।
तो फिर मैंने कहा मुझे तो घर वालों ने परमिशन नहीं दी कि आप लोग मुझे परमिशन देंगे। तो उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा मैं दूंगा, मेरी बीवी हो, मुझे जब आपने कोई गाया? बात। हाँ बिल्कुल, बस ऐसे ही गाती है, जैसे गुनगुनाते कुछ भी ऐसे अच्छा गाते। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा मेरी आवाज़ में, मगर तुम्हारी आवाज़ दिल को लगती है हस्बैंड का। ठीक है। तो वैसे हस्बैंड मेरे दो गाने डेली सुनते हैं अब तक कहते हैं उसके बाद दुनिया को जो मर्जी सुनाओ, मुझे बस दो गाने तुमने वो सुना। कौन से हैं? उनका एक फेवरेट है गाना, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है अच्छा ना, तो आप इश्क एक की जे है फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। तो मैंने कहा अरे आप डेली मुझसे होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी आवाज कितने में। साल हो गए शादी को? शादी तकरीबन हो गए हैं 13-14 साल। 14 साल से हाँ डेली दो गाने आप सुनाते हाँ हैं। डेली आप, वो कहते हैं कि पहले मुझे दो गाने आप सुनाएं, दूसरा कौन सा है? दूसरा मैडम नूरजहां, मैडम नूरजहां की दमदा परोसाया दमावे दमावे छठ झगड़े ते करिए प्यार, छठ झगड़े ते करिए प्यार दमावे की दमदा परोसाया ये उनकी मोहब्बत का दमावे। हाँ तकाजा है कि बिल्कुल डेली वो डेली आपसे ये गाना ऐसा सुनते ही हैं। अच्छा, आपने फिर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे गाया, इंडिया से ऑफर आई? जी बिल्कुल, इंडिया से ऑफर आई और मेरा एक सॉन्ग, एक फिल्म का सॉन्ग, क्योंकि मेरी आवाज़ अब प्ले बैक पर ज़्यादा लोग लेते हैं। तो फिर अभी भी मैंने पाकिस्तान में भी दो फिल्मों में गाया है, वो अल्लाह करे वो जल्द सिनेमा में लगे। एक इंशाल्लाह। फिल्म दिलदा जानी, पंजाबी फिल्म बासु चौधरी जी की, और दूसरी सिकंदर खान और गायनाथ राणा जी की जख्म फिल्म, उसमें मैंने गाने गाए, मेरी अब एज ए प्ले बैक सिंगर भी सुनाई गई। तो फिर उन दिनों जैसे मैं यहाँ, मतलब बेसिकली मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुल्तान से हैं, तो फिर मैंने कहा कि मुझे प्ले बैक का शौक है, मुझे फिल्मों में मेरी आवाज़ें आने चाहिए। तो आप हम लाहौर शिफ्ट होते हैं हस्बैंड को, मैंने कहा वो मेरा कहना मान के यहाँ आ गए, यहाँ मैंने ट्राई किया। अच्छा उन दिनों आर्टिस्ट पे इंडिया में बैन हो गया था, तो मेरी और अरिजीत सिंह का सॉन्ग दोनों अच्छा कहानी आने वाला था, और बातचीत भी हो रही थी हमारे जो प्रमोटर्स हैं उनकी, जो जी हमें आगे लेके जाते हैं उन तक, लेकिन बस वो बैड लक, आर्टिस्टों को बैन कर दिया गया इंडिया में गाने के लिए, वो नहीं हो पाया। अच्छा, जी बिल्कुल, तैयारी सारी मुकम्मल तैयारी हो गई बिल्कुल थी, थी। हाँ जी, पोस्टर पोस्टर वगैरह वगैरह भी तैयार हो रहे थे, सारा कुछ, बातचीत चल रही थी। बात हुई हाँ अरिजीत जी, सिंह से? नहीं अभी बात नहीं हुई थी, जाहिर है वो ऐसे नहीं ना मिलाते अभी एकदम, जी तो अभी तो प्रमोटर्स ही गुफ्तगू करते हैं आर्टिस्टों को मिलाने के लिए आपस में, जो हम जो फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं, जो चीज़, तो अभी बात ये इधर से पाकिस्तान से जीरक को लेते हैं, उसकी आवाज़ है बहुत अच्छी, तो जी अभी ये बातें चल रही थी, बस शायद अगर उनके साथ हो जाता तो बहुत अच्छा होता। पाकिस्तान में टैलेंट की इतनी कदर नहीं की जाती जितना कि आउट ऑफ कंट्री में अगर देखा जाए, इंडिया में अगर देखा जाए तो। अगर इंडिया से अभी भी ऑफर आए तो आप जाना चाहेंगी? देखिए ख्वाहिश तो होती है कि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं है, आवाज़ की कोई सरहद नहीं है, जी चाहते तो हैं कि हर, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में नाम बने, जी लेकिन यह कि पाकिस्तान में अब भी बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, तो मैं अपने कंट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी कि मुझे पाकिस्तान में मौका दिया जाए, एक आवाज़, मैं पाकिस्तान की रहायशी हूँ, पाकिस्तान की रहने वाली हूँ, तो इंडिया भी हमारे, हमें उनसे प्यार है, कभी हमने उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचा। आर्टिस्ट लोगों की बात जी कर रही जी हूँ, तो आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं है, मैं चाहूँगी अगर मौका मिला तो ज़रूर अवेल करेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा ये चाहती हूँ कि हमारे जितने भी प्रोड्यूसर हजरात हैं जो मुझे सुन रहे हैं आपके तवस्सुस से, जी वो यहाँ के टैलेंट को भी, न्यू टैलेंट को चांस दें, चांस ताकि दें। आगे से आगे खूबसूरत काम होता जाए। आप अभी तक कहाँ कहाँ गा चुकी? मैंने मतलब पाकिस्तान में तो सारे सिटीज़ में गाया, दुबई भी पिछले दिनों गई, ठीक है, जी मौका मिला एक जगह परफॉर्म करने का, तो बस यही लगे हुए हैं मेहनत वो भर। रंजना गाना आपका बड़ा वायरल हाँ गया बस वो लोग कहते हैं जीरक जी आपको अच्छा लगता जी, आप आप वो गाए। गाएं जरा। चिरा पीछे जदों जदों एहसास होन गए, ओदों दिलदार नहीं ओ पास होन एहसास गए, हाय रंगले जहाना दिया रोड़ काजवे, दिल किसे गलते उदास होन गए, हाले भी कुछ सोच ले मेरे मां, जे मन समझा ले किधरे, किते निशानो शक्ता जद यो मोहब्बत जे पलवे,
किधरे तेरा रुतबा घटदा जे हस के बुला लवे किधरे रांझणा वे चावन गुलाबी रंग दे नित शरारता करा के लंघ दे कोशिशा ना दाना ने नाराज होण वे ताइयों मैं तो ऐना कोई इशारा मंग दे हनी पके हस दे छबी लिया जे अखियां मिला लवे किधरे हनी पके हस दे छबी लिया जे अखियां मिला लवे किधरे किते निशान शोकता जदरू मोहब्बता जे पलवे किधरे किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हस के बुला लवे क्या बात है नाजरीन, देखे आवाज़ ऐसी के रूह में उतर जाए। घर वालों का फिर फोन आया जब पहली बार हस्बैंड ने सपोर्ट किया, तो फिर अम्मी अब्बू की डांट। जी बिल्कुल, घर वालों ने कहा देखो तुम्हारा हस्बैंड है उसको हमें अब कोई गिला नहीं है तुमसे। हाँ, अब अच्छा तुम चाहे जो मर्जी का, क्योंकि अब आप उनकी हो, तो वो अगर आपको सपोर्ट सपोर्ट कर कर रहे रहे हैं हैं, जी। अगर वो आपके टैलेंट को समझते हैं तो बहुत अच्छा। फिर बस चल सो चल जीरा खाने, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस आगे माशाल्लाह, का हाल ही। हम दुआ करेंगे कि आप जो है पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, जी हाँ और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन होना चाहिए। बड़े बड़े बिल्कुल, सिंगर हैं, असद अब्बास को आप जानती हैं। बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक थे, और उनके इतने जवान मौत हो, हमारे लिए एक बहुत म्यूजिक इंडस्ट्री में कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट। और अब अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि उनके आगे की जो है वो रास्ता वो आसान हो जाए, और वो अल्लाह उन अपने जवारे रहमत की जगह दे। आमीन। कोई गाना उनका आप सुनाना चाहें। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ तो कभी ऐसा लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हो हैरान। कोई मैसेज देना चाहेंगी एज ए कपल? आपका माशाल्लाह हस्बैंड बड़े सपोर्टिव है आपके साथ हैं, और आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत गुजर रही है माशाल्लाह। हम चाहेंगे कि आपका सितारा बुलंद हो, पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान का हाँ रोशन नाम जिस तरह से कर रही हैं वैसे ही करें। अगर इनको कोई बड़े प्लेटफॉर्म से बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज़ की मालिक, बड़ी पर्सनैलिटी अच्छी की मालिक, और बड़ी शानदार इनकी आवाज़ है। और देखे अगर देखा जाए तो यानी कि इनके हस्बैंड ने जो इनको सपोर्ट किया, देखे इज्जत के साथ वो गाती हैं, और बड़े बड़े सिंगर हैं। तो जब आप गाने जाती हैं नेगेटिविटी भी होती है इस शोबिस की जी दुनिया में, बिल्कुल। कभी किसी ने डीमोटिवेट भी किया होगा। आपको पता है जो है आज जो मुआशरा चल रहा है, हर कोई दौड़ में है कि बस हम ही हों जी आगे और कोई ना हो। माशाल्लाह आप खुद बेहतर जानती हैं आप कहाँ इतने स्ट्रगल करके और क्या क्या सह के यहाँ तक पहुँची। जी तो इसी तरह हर फील्ड में ऐसे ही होता है, ब्लैक बुलिंग तो होती रहती है, जी लेकिन हम फिर भी उनके लिए दुआ करते हैं कि वो सदा जिए और इसी तरह बस हमें जो है अपना प्यार देते रहे। जीरा, आपका नाम कई दफा कटवा दिया गया हाँ बिल्कुल, अलहमरा में, बहुत जगह क्यों? मैं हैरान हूँ। देखें टैलेंट जो है ना, वो हर एक गले की अपनी खुशबू है, जी हर बंदे की अपनी आवाज़ है, लेकिन मैं इतनी हैरान होती हूँ कि मेल भी जेलस है और फीमेल भी जेलस है। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत बार अलहमरा में परफॉर्म करने की कोशिश की तो बारहा मेरा नाम कट हो गया वहाँ से। मैं परेशान हो जाती थी कि क्या मेरी आवाज़ में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, सब वो सब गा रहे हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ों के मालिक, ये तो बस रब की अता है, उसका जी करम है, जिसे रब अपना अता कर दे।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगी अपने जितने भी हेटर्स हैं या जो भी मेरी लेग पुलिंग करते हैं, उन्हें यही कहते हैं कि जीरा खान ने अपना एम रखा हुआ है, एक अपनी एक वो कहते हैं सिमत रखी है, वो उस पर गामजन है और वो काम करती रहेगी, और आप इसी तरह मुझे हेट करते रहे ताकि मैं आगे से आगे बढ़ूँ। ये इनका मैसेज है जी, थैंक यू सो मच। 2023 जा रहा है, 2023 में कौन सा ऐसा लम्हा था जिसमें आप बड़ी उदास रही? 2023 में मैंने अपनी माँ को खोया। वो कैसी हस्ती थी जो मुझे हौसला देती थी। मेरी माँ बचपन से ही मेरी आवाज़ को लाइक करती थी। उनकी फेवरेट आर्टिस्ट मैडम नूरजहाँ जी थी, तो वो कहती थी कि मैं तुम्हारे जब तुम गाती हो तो मुझे ऐसा लगता मैडम जी मेरे सामने आ गई, बिल्कुल इतना प्यार था उन्हें मेरी आवाज़। तो उसे मतलब वो चाहती थी, लेकिन आपको पता है कि औरत की आवाज़ को दबा दिया जाता है, चाहे वो माँ हो कुछ भी हो, वो अपने बच्चों को आगे लेके नहीं जाता जब तक बाप का साथ रहा हो। भी देखें मेरे हस्बैंड मेरे साथ है ना, दुनिया की कोई भी जो है वो हस्ती मुझे यहाँ से हिला नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे मेरे बैक पे सपोर्ट है हस्बैंड। तो वो सबसे बड़ा अगर फैन हो जाए किसी भी फील्ड में तो फिर औरत हारती नहीं है। तो मैंने अपनी माँ को खोया बहुत, और उस वक्त मैं अब समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, इतना कमी आ गई, और अब तरसते हैं कि कब कहीं से माँ की आवाज़ आ जाए। उस वक्त मम्मा मुझे कहती थी, पंजाबी स्पीकिंग है ना हम लोग, तो कहते थे वड्डी आई जीरा खान है, फोन ही नहीं करती, इतनी बिजी हो गई है अपनी माँ को। और अब वो फील होता है कि अगर वो जिंदा होती कि मेरी तरक्कियाँ देख रही हैं जो, तो कितना खुश होता। बस मैं यही चाहूँगी कि अपने वालदैन की कदर करें और अपने वालदैन को टाइम दें, और उनकी कमी जो है वो जब इंसान को फील होती है जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, और वही कामयाब लोग हैं जिनके पीछे माँ बाप दुआएं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच जी। ये वीडियो ने स्पॉन्सर किया है हमारे हॉस्पिटल को, और जीरक खान का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारी एक आवाज़ पे आई, और इनका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्टोरी, कोई सक्सेस स्टोरी, कोई आपकी दो बेगमें हैं, एक बेगम है, या उनके साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आप चाहते हैं किसी को बता के इससे मोटिवेशन मिलेगी, किसी को नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिव अगर कोई कॉन्टेंट है, तो आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं ताकि हम जल्द अज़ जल्द अपना शेल्टर होम और हॉस्पिटल को मुकम्मल करें और यतीम बच्चियों और माओं को और बेवा औरतों को बचा सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, आपके फीडबैक का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह।